गाइज, इस साल का वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर कॉइन है तो सिर्फ वह डोज कॉइन है, जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो गाइज, इस वीडियो में डोज कॉइन कितना पंप होगा या नहीं, और साथ ही इलॉन मस्क के एक बार फिर से ट्वीट करने से यह एक बार फिर से पंप होने लगा है, तो ट्वीट से इस पर क्या इम्पैक्ट होगा, इन सब बातों को इस वीडियो में जानेंगे। हेलो गाइज, आई एम प्रशांत मौर्य, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पैसिफिक T7। अगर गाइज आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। गाइज, जैसे कि यह न्यूज़ आ रही है कि डोज कॉइन 8 मई को पंप करेगा और क्यों, तो गाइज इसको जानने के लिए एक बार फिर हमें इलॉन मस्क के ट्वीट पर जाना पड़ेगा, जहां उन्होंने ट्वीट किया है द डोज फादर SNL 8 मई। SNL एक सैटरडे नाइट लाइव शो है जिसे इलॉन मस्क होस्ट करने वाले हैं और यह US का बहुत ही पॉपुलर शो है। इस टॉपिक का नाम है द डोज फादर, जिससे गाइज आप यह अंदाजा लगा सकते हैं डोज कॉइन पंप होगा या नहीं। और इलॉन मस्क के इस ट्वीट से ही पंप होने लगा है, जो अभी ही 55K टारगेट को टच कर चुका है। बस अब यह देखना है कि 8 मई को इलॉन मस्क डोज कॉइन के फेवर में बोलते हैं तो यह डेफिनेटली पंप करेगा। और गाइज, जैसा कि हम सबको पता है, इलॉन मस्क अब तक डोज कॉइन के फेवर में बोलते आए हैं। डोज कॉइन को लेकर सभी तरफ से पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं, जिससे यह तेजी से पंप हो रहा है। तो गाइज, यह थी डोज कॉइन को लेकर एक नया अपडेट। अगर गाइज डोज कॉइन के मार्केट कैप की बात करें, जो 6,29,000 करोड़ के आसपास है, और यह बहुत ही तेजी से पॉपुलर होने वाली क्रिप्टो करेंसी बन रहा है, जैसा कि हमने बिटकॉइन के बारे में सुना था। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अगर डोज कॉइन से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है तो गाइज वह आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। अगर गाइज आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।